मेरे साथियों सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को सुमन यादव का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। अब हम बता दें सुमन यादव कौन है। हमारा एक विद्यार्थी है सुखद यादव, जिसको मैं लगातार 3-4 सालों से पढ़ा रही हूँ। तो उसकी मम्मी है सुखद यादव, बहुत ही हंसमुख मिलनसार खूबसूरत महिलाएँ। ये एक ऐसी प्यारी अभिभावक है जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। अपने बच्चे का तो काम ये पूरा कराती ही कराती हैं, उसके अलावा जिन बच्चों का काम छूट जाता है उनका भी ये काम करवा देती हैं। बहुत मेहनती हैं ये। तो आज इन्होंने बड़ा प्यारा सा आर्टिकल हमारे पास भेजा। ये कहती हैं, एक बनाया गया रिश्ता, पहले कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, अब सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ, पहले अपरिचित फिर धीरे धीरे होता परिचय, धीरे धीरे होने वाला स्पर्श फिर नोकझोंक झगड़े बोलचाल बंद, कभी जिद कभी अहम का भाव, फिर धीरे धीरे बनती जाती प्रेम पुष्पों की माला, फिर एक जीवटता तृप्तता, वैवाहिक जीवन को परिपक्व होने में समय लगता है, धीरे धीरे जीवन में स्वाद और मिठास आती है। ठीक वैसे ही जैसे अचार जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका स्वाद बढ़ता जाता है। पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे प्रकार जानने समझने लगते हैं, वृक्ष बढ़ता जाता है, बेलें फूट जाती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, रिश्ता और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता, उम्र बढ़ती जाती है, दोनों एक दूसरे पर अधिक आश्रित होते आते हैं, एक दूसरे के बगैर खाली पैर महसूस होने लगता है, फिर धीरे धीरे मन में एक भय का निर्माण होने लगता है, ये चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा, ये चले गए तो मैं कैसे जीऊँगी। अपने मन में घुमड़ते इन सवालों के बीच जैसे खुद का स्वतंत्र अस्तित्व दोनों भूल जाते हैं। कैसा अनोखा रिश्ता, कौन कहाँ का और एक बन गया रिश्ता पति पत्नी का। विवाह एक भरोसा है, समर्पण है। तारीफ उस स्त्री की जिसने खुद का घर छोड़ दिया, और धन्य है वो पुरुष जिसने अनजान स्त्री को अपना घर सौंप दिया। तो ये है विवाह का बंधन, ये है पति पत्नी का प्यारा सा रिश्ता। सही बात इन्होंने कही कि पहले हम अपरिचित होते, एक दूसरे को जानते तक नहीं, पता नहीं कौन कहाँ का। और हर एक साथ ही ऐसा होता है कि पहले मन मुटाव हुआ, बोलचाल बंद हुई, धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे। और मैंने बहुतों को देखा है, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि अगर ये चले गए तो मेरा क्या होगा। पुरुष सोचता है, अगर मेरी पत्नी मुझसे पहले मर गई, ये चली गई, तो मैं इसके बिना कैसे जीऊँगा। कहाँ एक दूसरे से परिचित थे, कहाँ दोनों अपना अहंकार भूलते गए, अपना अस्तित्व उन्होंने मिटा दिया, एक दूसरे प्रति पूर्ण समर्पित हो गए। जब एक दूसरे प्रति पूर्ण समर्पित हो गए, पूर्ण विश्वास हो गया, तभी क्या होता है, जीवन में मिठास आती गई और घर क्या हो गया, स्वर्ग बन गया। तो मेरे साथियों, मेरे लाडलों, अपने जीवन साथी से भरपूर प्यार करो, उन पर विश्वास करो। जितनी बहुएं हैं मेरी इसमें, जितनी मेरी बेटियां हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि अपने अपने संबंधों में पारदर्शिता रखो। अगर पत्नी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो पति का फर्ज उसे बताना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इतने बजे तक लौट के आऊँगा। ये नहीं रजिस्टर लेके बैठा करो, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, तुम्हें क्या करना। पत्नी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसका दिल टूट जाएगा। यही जवाब अगर पत्नी भी आपको दे तो आपको कैसा लगेगा। वो तो अपना घर, अपना माता पिता सब कुछ छोड़कर आपके लिए आई, आपका प्यार पाने आई। अगर आप भी उसे दुत्कारेंगे फटकारेंगे तो कहाँ जाएगी, और अंत में काम वही आएगी। तो सुखद की मम्मी का, सुमन यादव का ये आर्टिकल आप लोग को कैसा लगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।